किसका जब हैप्पी न्यू ईयर हो तभी भी हम साथ हों, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। पर तब तक बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ होने वाला है, तो थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, हम सब काम करते हैं और आप भी जानते हैं कि जो काम किया जाता है उसमें समय, पैसा, सुरक्षा, इन तीनों चीजों की बहुत वैल्यू होती है। तीन चार तरीके के काम हैं, पर एक काम है जिसमें पैसा भी है, सुरक्षा भी है, समय भी है। आप बोलेंगे सर वो काम तो जरूर करना चाहिए जिसमें ये तीनों चीजें हमें मिल सकती हैं। तो ऐसे में हमारे पास एक बहुत बढ़िया बिजनेस हमारे हाथ लग गया है ईश्वर के माध्यम से, क्योंकि पैसा कमाने के दो ही तरीके हैं, बिजनेस कर लो या जॉब कर लो। पर बाहर की जो हालत है वो मेरे से ज्यादा आपको पता है कि टेंशन में बिजनेस में क्या हो रहा है। बहुत सारी पूंजी चाहिए, रिस्क है, डर है, उधारी में है, मंदी है, बंदी है, सरकारी पॉलिसीज है, लॉकडाउन है, कंपटीशन है, नो टाइम फ्रीडम है, और बहुत सारी चीजें हैं। मेरे से बेहतर आप जानते हो सर। आरसीएम या हमें क्या समझ में आता है कि कोई भी हम बाहर काम कर लें, हम काम करेंगे तो हमें बदले में पैसा मिलेगा। कब तक मिलेगा? जब तक हम काम कर रहे हैं। हमारी नेक्स्ट जनरेशन को क्या मिलेगा वो भगवान जाने, राम जाने। जब हमारी जनरेशन सेफ नहीं है, जो हम कमा रहे हैं तभी हम, हमारे तलवार लटकी पड़ी है, अगली जनरेशन का क्या होगा? आप सोच के देखिए, खुद ही सोचिए कि नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, अगर ये इसी का बिजनेस होता तो इसमें रॉयल्टी इनकम नहीं होती। बाहर परचूने की दुकान खोल के बैठे होते बड़े बड़े सेठ और लाला बैठे हैं बाहर, जो 50-50 लाख का धनी धनिया मिर्ची बेच देते हैं। उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात का पड़ता है कि हमें मौका किस चीज का मिला है। हमें मौका मिला है अपनी मैन पावर बढ़ाने का और अपने वर्किंग हार्स बढ़ाने का, यानी काम करने के घंटे बढ़ाने का। दुनिया की कोई भी ताकत हमारी मैन पावर नहीं बढ़ा सकती। मैन पावर बोले तो मैं अकेला ही तो रहूंगा, चाहे नौकरी कर लूं, दुकान कर लूं, बिजनेस कर लूं, घंटे 10 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते। पर इस बिजनेस की बदौलत आप पूरे हिंदुस्तान में काम कर सकते हैं, इसलिए इनकम बढ़ेगी और ये काम होता रहेगा। लोग काम करते रहेंगे तो आपके बच्चे भी बड़े सुकून की जिंदगी जी पाएंगे। ऐसी हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए इस आरसीएम बिजनेस में। क्योंकि जयपॉल गेट्टी बोलते हैं, जो दुनिया के पहले अरबपति थे, कि अपना बिजनेस करें, डेली इस्तेमाल के प्रोडक्ट होने चाहिए उसके अंदर, इनकम कई सारे सोर्सेज से आनी चाहिए, तो आपका बिजनेस बहुत ज्यादा सेफ रहेगा। बिजनेस डुप्लीकेटेबल होना चाहिए। आज डॉक्टर लखन जी को आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर हैं, सुदेश मास्टर जी मास्टर हैं, डॉक्टर अपना संजीव जी डॉक्टर हैं, मुकेश जी और काम करते थे, दुकान चलाते थे, महेश जी आईटी डिपार्टमेंट से हैं, रामेश्वर दयाल जी राजमिस्त्री हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, और बिजनेस डुप्लीकेटेबल है, कोई भी कर सकता है। आरसीएम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहां से हम चले थे और हम कहाँ के लिए पहुंचने के लिए तैयार हैं, आपके सामने सर सारा डाटा है। अभी आरसीएम समझाने के लिए बहुत ज्यादा वो नहीं है, लोगों को पता है बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत सब जगह दुकानें हैं, बहुत साल से चल रही है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी तैयारी कर रही है, तो हमें भी अपनी तैयारी थोड़ा बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि आरसीएम आज घर घर में पहुंचने के लिए तैयार है, क्योंकि क्वालिटी रेट में, सही रेट में आरसीएम ही प्रोडक्ट दे रहा है। डायरेक्ट सेलिंग में हमारे पास जगह 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 डिस्प्ले वॉल खुली हुई है, आज कॉलोनी कॉलोनी के अंदर सब सामान पहुंचने के लिए तैयार है, और हम तैयारी कर रहे हैं कि बाजार का हर प्रोडक्ट आरसीएम में आ जाए, तो कितना बड़ा काम हो सकता है। इतने सारे वंडर वर्ल्ड आपके सामने खोलेंगे। मैं कई बार बात करता हूँ सर क्या हो रहा है, तो बबलू चौधरी जी बता रहे थे सर हामिदपुर पीयूसी पे हम अपना ट्रेनिंग सेंटर तैयार करवा रहे हैं। महेश जी से बात हुई तो बोले सर 2023 में मैं भी खुलवा दूंगा। जिससे बात हो रही है वो सब इसी दिशा में तो बढ़ रहे हैं कि हमें ये काम करना है, हमें पीयूसी खुलवाना है, हमें वंडर वर्ल्ड खुलवाना है। अब तो ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं जो तैयार हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, क्योंकि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी शॉर्टेज पड़ रही है। आज पीयूसी पे माल नहीं मिलता, मांगने जाओ कुछ मिल ही नहीं पाता, डिपो पे माल शॉर्टेज है, के जी पीछे से ही शॉर्टेज है, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है। तो हमारा काम बहुत तेजी से चल रहा है दोस्त। अब हमें अपना कन्वर्ट करना पड़ेगा इस बिजनेस को, कि हम किस तरह काम करें, किस तरह आपका काम बढ़े। तो अब आपको समझना पड़ेगा सर कि ये बिजनेस कितने लाख करोड़ का है। रिटेलिंग जो बाजार है आज, बड़े आपके शहर में मार्ट खुला हुआ होगा कोई भी, उस की सेल पर डे हो रही है, आरसीएम में भी होगी, वो दिन आने वाला है जब हमारे पास इस तरह का साम्राज्य खड़ा हो जाएगा। आज हमारे बीच में सुनील शर्मा जी हैं, आज हमारे बीच में डॉक्टर लखन लाल जी हैं। लोग बोलते हैं बड़े बड़े मार्ट आज 1-1 लाख रुपए पर डे की सेल नहीं कर पाते, आज डॉक्टर लखनलाल जी खुद में अपने आप में मार्ट हैं, लाखों रुपए का बिजनेस रोज बढ़ रहा है डॉक्टर साहब का, क्योंकि मार्ट बन चुके हैं अपने आप में। सुनील शर्मा जी
आज ऐसा पूरे फरदाबाद शहर में कोई बड़ा बड़े से बड़ा मॉल नहीं होगा जिसमें 5 लाख बिजनेस, 4 लाख बिजनेस, 3 लाख बिजनेस रोज बढ़ता होगा। सुनील शर्मा जी अपने आप में आज बड़े बड़े मार्ट को फेल कर सकते हैं, रोज कितनी सेल कर देते हैं, पता नहीं कितना बड़ा मार्ट खोले बैठे हैं, कहाँ कहाँ सर की ब्रांचेज हैं। वो ताकत आपके पास भी आ सकती है, जो ताकत सुनील शर्मा जी के पास है, जो ताकत डॉक्टर लखन जी के पास है, कि एक मार्ट आप पता करना कितने की सेल हुई, बोलेगा 20 उठता हूं, इतने 20,000 बिजनेस बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है, मार्ट वाले को 100 खर्चे करने पड़ रहे हैं, डॉक्टर साहब तो घर पे उठे और चाय पी, इतने 20,000 की सेल हो गई। इसका मतलब क्या है, पूरे दिन में लाखों की सेल हो जाती है डॉक्टर साहब की टीम में, पूरे दिन में लाखों की सेल हो जाती है मुकेश जी की टीम में। इसका मतलब क्या है, वो अपने आप को मार्ट बन गए जीते जाके। सोच के देखो दोस्त, तो कितना बड़ा काम हो सकता है। वो दिन दूर नहीं है जब 1-1 करोड़ की सेल एक एक दिन में बढ़ेगी सुनील शर्मा जी की, एक एक दिन में सेल बढ़ेगी महेश जी की, तो कितना बड़ा काम होगा सर, सोच के देखिएगा आप। थोड़ा समझिए सर इस चीज को, इसकी पावर को। अब हमें कुछ काम अपने भी तय करने पड़ेंगे, ये काम तो कंपनी है, जो कंपनी अपना सेटअप बनाए बैठी है तो हमारा काम चल रहा है, कुछ काम हमें भी अपने तय करने पड़ेंगे। पहला काम, नेटवर्क बनाना पड़ेगा सर, बिना नेटवर्क के कुछ भी नहीं है। आज सुनील शर्मा जी हैं, चाहे वो डॉक्टर लखनलाल जी हैं, आज चाहे रामेश्वर दयाल जी हैं, चाहे वो सुदेश मास्टर जी हैं, चाहे वो अजीत जी हैं, चाहे मुकेश जी हैं, कोई भी यदि जीता जागता उदाहरण बन पा रहा है तो केवल और केवल नेटवर्क के बदौलत। दूसरा है सर, डेप्थ पे काम करना पड़ेगा, ब्रांचेज पे लगातार काम करना पड़ेगा सर, वॉल्यूम को लगातार बढ़ाना पड़ेगा सर, टीम में टारगेट लेके वर्किंग करने की आदत बढ़ानी पड़ेगी सर, और टीम में मीटिंग की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। आज लगभग हम 2 महीने से वीकली मीटिंग कर रहे हैं, क्या आपकी टीम से लोग बढ़ रहे हैं? आज से 2 महीने पहले भी आपकी टीम में उतने ही लोग बैठे थे और अभी भी उतने बैठे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम सप्ताह में इस मीटिंग को हल्के में ले रहे हैं। मेरे दोस्त, इस बात का वैल्यू को समझो कि ये ट्रेनिंग आपको जो मिल रही है, यदि वो टीम भी बैठ जाएगी तो उसको भी कुछ समझ में आएगा। संख्या बढ़ाइए, वो आप ही को बढ़ानी है। टीम में टूल्स, जो भी हमारी मैगजीन है, वर्कबुक है, और जो भी कंपनी के टूल्स हैं सर, ये बढ़ेंगे तो लोग बढ़ेंगे, अपने आप काम बढ़ता है। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि सर कोई भी पेड रातों रात नहीं बनता सर, समय लगता है। सोच के देखिए, बीज डालते हैं, समय लगता है, करते 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 फल भी देगा सर आगे चल के। आरसीएम में भी 2025 तक बहुत कुछ बड़ा करने के लिए, क्या आप तैयार हो? उसके लिए अभी काम करने की जरूरत है। 2023 में ये वो सही समय है कि हमारे पास प्रॉपर टाइम है, हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं बड़े से बड़े प्लान को, हमारे पास समय है, वरना फिर समय नहीं बचने वाला सर। देखिए है क्या कि कुछ लोग काम कैसे करते हैं, हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू रिस्पॉन्ड, कैसे करते हैं। महेश जी, मान लीजिए हम रसगुल्ला खा लें उसके बाद चाय पिए, या लड्डू खा लें उसके बाद चाय पिए, चाय कैसी लगेगी महेश जी? टेस्ट नहीं आएगा ना, वो मीठा पहले खा लिया फीकी लगेगी। हम नमकीन खा लेते हैं और उसके बाद चाय पीते हैं तो फिर कैसे कैसी लगेगी सर? मीठी लगेगी। आप सोच कर देखो, चाय तो वही है, आप चाय तो वही है, पर पहले से हमारे मुंह में, कुछ लोग पहले से ही अपना कुछ डाल के बैठे हैं, फिर बोलते हैं सर मजा ही नहीं आ रहा। दोस्त, पहले खाली करना पड़ेगा। इस दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए हैं, वो अपने कोच के प्रति, अपने उस्ताद के प्रति कोई ना कोई सरेंडर जरूर हुआ है। पहले से ही अगर रख के बैठे हो फिर कुछ आने वाला नहीं है आपके हाथ, खाली होना पड़ेगा दोस्त। अपने आप को स्टूडेंट मानना पड़ेगा, किसी भी लेवल पे जाके यदि आप सीखने के लिए तैयार हो तो भगवान भी आपको जिताने के लिए तैयार। थोड़ा मैं आगे चलता हूं सर, देखिए इस दुनिया में 90% पूंजी केवल 10% लोगों के हाथ में है सर, यह हमें समझना पड़ेगा। 30% गरीब, 50% एवरेज और 10% और थोड़े से अबोव एवरेज मान लीजिए, ये 90% लोग हैं सर। और कैसी जिंदगी जी रहे हैं ये आप भी जानते हो सर, आप भी जानते हो सर। बहुत सारे सर्वाइव में भी चैलेंजेस हैं, पर एक और है, 10% रिच लोग हैं जो सच में रिच हैं। अभी दाल क्या रेट है, पेट्रोल क्या रेट है, सीएनजी पे 2 रुपए बढ़ गए, तो उनके पास ये टॉपिक नहीं होते सर, उन्हें इनकम बढ़ाने का पता है। आप कौन सी क्लास में रहना चाहते हो, 90% लोगों में रहना चाहते हो या 10% लोगों में? देखिए दोस्त, हम में से कई सारे लोग किसान के बेटे हो सकते हैं, हम में से कई सारे लोग एक मजदूर के बेटे हो सकते हैं, हम में से कई सारे लोग
हो सकता है किसी तांगे चलाने वाले के बेटे हों, हम में से कई सारे लोग हो सकता है बिल्कुल एक आम आदमी की संतान हो, पर हम दिल से चाहते हैं हमारे बच्चे जब उदाहरण दें तो बोलें कि हम बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पिताजी बड़े बिजनेसमैन हैं। ऐसा लाएगा कौन, अमीरी की श्रेणी में लाएगा कौन? वो आप ही हो जिसे भगवान ने चांस दिया है। आपके पिताजी को नहीं दिया, सोच के देखो, आपके दादाजी को नहीं दिया, कमाल है, आपको मिला है, आपके बेटे को भी नहीं मिला, आपको मिला है वो चांस इसमें आने का, अपने बलबूते अपनी सल्तनत बनाने का मौका आपको मिला है। सर आप आज कहाँ हो, आप चेक करो कौन सी क्लास में हो और कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ रहना है, ये तय कौन करेगा? ये तो आप ही करोगे ना सर। देखिए दोस्त, आरसीएम में बड़ा सिंपल काम है, बड़ा डुप्लीकेटेबल काम है, प्रोडक्ट प्लस प्लान प्लस डुप्लीकेशन बराबर है आरसीएम। प्रोडक्ट मूव होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और वॉल्यूम बढ़ेगा। यदि प्रोडक्ट आप यूज करोगे, खुद यूज भी करोगे तो भी कॉन्फिडेंस आएगा बताने के लिए और वॉल्यूम अपने आप बढ़ेगा। यदि आप प्लान दिखाओगे, एसटीपी यानी सो द प्लान, एसटीपी यानी सो द प्रोडक्ट, एसटीपी यानी सो द प्रोग्राम, आप समझिए एसटीपी के कई मायने हैं सर। इससे नेटवर्क बढ़ेगा यदि आप प्लान दिखाओगे, यदि आप प्रोडक्ट दिखाओगे और यदि आप प्रोग्राम दिखाओगे, तो इससे हमारा नेटवर्क बढ़ेगा। और यदि डुप्लीकेशन आपने डाल दी बिजनेस के अंदर, अगर आप दिखा रहे हो प्रोडक्ट, अकेले अकेले ही प्लान दिखा रहे हो, खुद ही खुद बैठ रहे हो, तो डुप्लीकेशन यानी सिक्योरिटी नहीं आने वाली बिजनेस में। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो जय आरसीएम, मेरे दोस्त चेक करिए, सिक्योरिटी का मतलब है डुप्लीकेशन। आपकी टीम से यदि 10 लोग भी नहीं बैठ रहे हैं बी लेग से, इसका मतलब क्या है कि अभी सिक्योरिटी डेवलप नहीं हुई है। हम इतना चैन से बैठ कैसे सकते हैं? तैयारी कीजिए, ये सप्ताह में अपना पूरा जोर लगाइए सर, सिक्योरिटी डालिए बिजनेस में। सिक्योरिटी का मतलब होता है डुप्लीकेशन, यानी कि आप बैठे हो अपने लोगों को बैठाइए। आरसीएम चलेगा सर, ये सिस्टम से चलता है सर। अब थोड़ा आगे चलते हैं सर, वॉल्यूम बढ़ता कैसे है, बिजनेस बनता कैसे है? पहला, जब आप सामान खरीदते हैं तब बिजनेस बढ़ता है। जैसे हर महीने की 1 तारीख आती है, सभी के लिए आती है, पर कुछ लोग अपलाइन की बात मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते। हम तो 1 तारीख को ही डायमंड क्लब कर देते हैं। मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा, आप क्यों नहीं कर सकते सर? हम सबके पास डिस्प्ले वॉल है, क्यों ली थी भैया डिस्प्ले वॉल? इसलिए ली थी कि वो रखा रहे 31 तारीख को काटेंगे। इसलिए ली थी कि सुबह कई बार 6 बजे पीयूसी वाले नहीं उठते थे, कई बार पीयूसी वाले टाइम से बिल नहीं काट पाते थे, उनके सहयोग के लिए, उनको परेशान ना होना पड़े उधार सुधार के लिए, तुरंत बिल काट दो। तो आप में से कई सारे लोग हैं जो अपना वॉल्यूम कर चुके होंगे, कोई डायमंड क्लब, कोई प्री डायमंड क्लब, अपने हिस्से की खरीदारी तो करो। क्या ये बिजनेस हम दिसंबर के बिजनेस क्लोजिंग के लिए कर रहे थे या जनवरी में बिजनेस के लिए कर रहे हैं? ये आदत है। बिजनेस बढ़ेगा कब? जब आप सामान लाओगे। और कब बढ़ेगा? जब आप सामान रिटेल करोगे। अब चेक कर लेना आप, क्या ये काम कर रहे हो तो बिजनेस बढ़ रहा है, नहीं कर रहे हो तो नहीं बढ़ रहा है। उसके अलावा ज्वाइन इन योर बिजनेस, जब कोई आदमी आपके बिजनेस में ज्वाइन करेगा तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। अब चेक करना है, काम ही क्या करना है, बस नेटवर्क सेटअप तो सारा कर लिया। किस दिन टाइम मिलेगा तो डाटा दिखाएंगे आरसीएम के आपको, कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे आरसीएम कहाँ है और कैसे क्या है, वो आज टाइम नहीं है। आरसीएम अपने हिस्से का काम कर रहा है, आप अपने हिस्से का काम, ये काम है आपके सामने। और अगली चीज, आपने नेटवर्क बना लिया तो ये काम टीम करेगी। वेन यूर टीम परचेज, वेन यूर टीम का कोई रिटेल करे या कोई ज्वाइनिंग करवाए, यही तो काम है। और काम ही क्या है, क्योंकि यही डुप्लीकेटेबल है, यही वो काम है। आप चेक करिए आपकी टीम से कितने लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, ये डाटा है सर, निकालेंगे तो काम बढ़ेगा सर। अगली चीज, हमें 2023 में नंबर वन बनना है, हैप्पी न्यू ईयर, इसको विशाल को सच में हैप्पी बनाना है, तो अब हमें काम करना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा। और एक्शन का मतलब है अपने डेप्थ लीडर को पकड़ लीजिए, जो भी आपका डेप्थ का लीडर है सर, उसके साथ मिलके मार्च की प्लानिंग बनाइए, उसके साथ मिलके जनवरी की प्लानिंग बनाइए, उसके साथ मिलके गोल सेट कीजिए कि मैं 2023 में हम इतना काम करेंगे कि वहां जाने वाले। यदि आप मार्च तक कोई व्यक्ति है पिछले महीने टीम में, उसके ऊपर आपने फोकस कर लिया, पोटेंशियल व्यक्ति है, मार्च तक यदि आपने उसका 20,000 यानी बिगनर अचीवर बना दिया, उसका पहला पिन लगवा दिया उसके सीने पे, तो मेरे दोस्त बड़ा चमत्कार हो सकता है। यहाँ लगभग 200 लोग बैठे हुए हैं, इसमें से यदि 50 लोग भी ये काम कर पाए, मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल 50 लोग, आप सोच के देखिए 50 गुना 20,000 कितना बिजनेस होता है महेश जी, सोचिए।
नया बिजनेस तैयार है, नया बिजनेस जिसके लिए कुछ अलग से कुछ करना ही नहीं है, केवल आपको उस व्यक्ति के ऊपर फोकस करना है। डेप्थ वाला लीडर, वो आपका जाबाज सिपाही जो आपको कुछ भी कर है, जो आपके बिजनेस में चार चांद लगा सकता है, उसका नाम तय कर लीजिए, एक डायरी में लिख लीजिए, उससे रोज बात करिए, उसे समय दीजिए सप्ताह में 2-3 दिन का। कह सकता हूं कि मार्च में उसका 20,000 का आप नया बिजनेस तैयार कर पाओगे। पर वो आदमी ढूंढ तो लो, कौन है आपका डेप्थ का लीडर, कौन है वो व्यक्ति जो आपकी जड़ को मजबूत कर सकता है, ढूंढ लीजिए उसे और काम में लग जाइए, क्योंकि हमें बहुत कुछ बड़ा करना है दोस्त। ये स्ट्रक्चर का बिजनेस है, ये बिजनेस लेग्स बनाने का बिजनेस है, पर ये बिजनेस चलता हेड से है। कई लोग बोलते हैं मेरी लेग काम नहीं कर रही सर, ए लेग या बी लेग। मेरे दोस्त ये चेक करो सर, जिस दिन माइंड सेट है उस दिन बिजनेस सेट है। हमारे पास ये लेवल है सर, जो भी आरसीएम के हैं आपके सामने हैं, टीम में स्पेशल फोकस करो सर। एक आदमी बिगनर है, वो क्या ओपनर बन सकता है? ओपनर है क्या वो रनर बन सकता है? वो आपको तय करना है कि वो स्टार जाएगा या गोल्ड जाएगा या स्टार प्लेटिनम जाएगा, वो केवल आपको ही तय करना है, कोई दूसरा थोड़ी तय करेगा। ये पायदान है, स्टेप बाय स्टेप। ये आपको देखना है कि वो आदमी वहीं की वहीं खड़ा रहे या थोड़ा आगे आ जाए, या वहीं की वहीं खड़ा रहे या थोड़ा आगे आ जाए, या वहीं की वहीं खड़ा रहे या गायब भी हो जाए बिजनेस से, ये निर्धारित कौन करेगा? आप। कई बार हम मेहनत करते हैं, 2-3 लोग तैयार करते हैं, अगले महीने गायब। मेरे दोस्त, उनको यदि तैयार कर लिया वो गलती नहीं करनी, अब उनको तैयार करते चलो, फिर देखिए क्या फौज तैयार होगी दोस्त आपकी, क्या जबरदस्त फौज तैयार होगी। ये बिजनेस 3.5 लाख तक रुलाता है, उसके बाद जब 5-5 लाख होने लग जाता है तो बस शुरू होता है बिजनेस। जिस जो जो बिजनेस ये कर पा रहा है उसे पता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि वहां से शुरू होता है या नहीं होता। ये बिजनेस बहुत कमाल का बिजनेस है दोस्त, पर इनको पकड़िए आप, ये जो लोग गायब हो रहे हैं ना, इनको पकड़िए। और ये गायब केवल और केवल आपकी वजह से हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका फोकस नहीं है। हमारी हॉटलिस्ट में ही नहीं है वो आदमी जो पिछले महीने बिगनर बना था, ओपनर बना था, उसके साथ काउंसलिंग ही नहीं कर रहे। दोस्त चालू हो जाइए, मैं थोड़ा आगे चलता हूं और आगे में है अपने आप को तैयार करना है। सबसे पहला काम है अपने आप को तैयार करना मुकेश जी, और मुकेश जी ने अपने आप को तैयार किया तो टीम भी तैयार हो गई। क्या आपने अपने आप को तैयार किया? अपने आप को तैयार करने के लिए क्या काम करना है सर? काम है इन्वेस्ट ऑन यूर सेल्फ। इन्वेस्ट कीजिए किसके ऊपर? पड़ोसी के ऊपर। भैया इन्वेस्ट करिए खुद के ऊपर, ट्रेनिंग्स, बुक्स, आपकी काउंसलिंग्स, ये जो चीजें है ना, इन्वेस्ट कीजिए दोस्त। जब मैं रॉयल्टी अचीवर भी नहीं था, तब मैं 1200-1200 रुपए की सीडी संतोष नायर जी की मंगवाता था, 1800-1800 रुपए की। लोग बोलते थे पागल है, इतना मोटिवेशन का क्या करना है, पर एक जुनून था कि कुछ करना है, सीखना है। हमारा कोई था ही नहीं कोई जो नहीं, कैसे 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 जीते जागते धक्के मारते आए। पर जब गुरुजी मिले हमें, रामकिशन गुरुजी, तो उन्होंने हमारा एंटीना सेट किया, ट्यूनिंग सेट की, और उन्होंने बताया कि रिकमेंडेड बुक पढ़नी है, रिकमेंडेड सीडी सुननी है, रिकमेंडेड सेमिनार में जाना है, और लोग अपने आप ही कर रहे हैं। वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती दोस्त, वो होता है चल जाए तो तीर, नहीं तो तुक्का। ये बिजनेस ऐसा नहीं है दोस्त। थोड़ा आगे चलता हूं सर, अपनी टीम को तैयार, दो ही काम तो करने। अब अपनी टीम को तैयार करने के लिए क्या करना है? होम मीटिंग एंड प्लान स्टोर। ज्यादा ज्यादा होम मीटिंग करो और उन्हें प्लान स्टोर बना दो, प्रोडक्ट स्टोर बना दो, केवल यही तो काम है। यदि टीम तैयार करनी है, आप चेक करिए, यहाँ रॉयल्टी अचीवर्स बैठे हैं, उन्होंने होम मीटिंग दी होगी। जो लीडर आज फील्ड में होम मीटिंग कर रहा है उसकी टीम तैयार हो रही है, जिसकी टीम में प्लान स्टोर उसने तैयार कर दिए उसका बिजनेस तैयार हो रहा है, उसकी टीम तैयार है सर। तो मैं आगे चलता हूं सर, टीम को पीवी करना सिखाना। यदि ये सिखाना है तो क्या करना पड़ेगा? उन्हें ज्वाइनिंग चढ़ाना सिखाना पड़ेगा। ज्वाइनिंग कैसे सबमिट होती है, परचेजिंग कैसे होती है और रिटेलिंग कैसे होती है, ये पीवी आने लग जाएगा टीम के अंदर। यदि हमने उन्हें ये सिखा दिया कि ज्वाइनिंग कैसे आती है, नई क्या क्या प्रोसेस होता है और कैसे बताना होता है, और परचेजिंग कैसे करवाते हैं, रिटेलिंग कैसे होती है किस प्रोडक्ट की, तो आपके टीम का परचेज वॉल्यूम भी बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? थोड़ा आगे चलता हूं, टीम को अपने से नहीं सिस्टम से जोड़ना। और कुछ लोग हैं कि भैया ये मेरी फौज है, मैं हूं इनका सब कुछ, और वो अपने तरीके से ही समझाने का प्रयास करते हैं। जबकि कुछ लोग हैं जो सिस्टम से प्लग इन कर देते हैं, और सिस्टम से जोड़ दोगे मेरे दोस्त, आप सोचिए आपके घर का जो कनेक्शन आ रहा है
कहीं ना कहीं किसी ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ होगा, कहीं ना कहीं किसी सिस्टम से जुड़ा हुआ होगा। कुछ लोग अपने घर में बिजली पैदा कर, कह जी मेरे घर में कुआं खोदेगा तभी पानी पिएंगे। अरे भाई मर जाओगे, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, सिस्टम से प्लगइन कीजिए। आज रॉयल्टी स्कूल्स हैं, आज टीसी सर सुबह रोज क्लास ले रहे हैं 6:30 बजे, टेक्निकल्स की 8 से 9 क्लास चालू हो गई है, और हम भी आपकी सेवा में लगे हुए हैं वीक में। हम भी थोड़ा तैयारी करते हैं इन मीटिंग और ट्रेनिंग और पीपीटीज की, तो वो आपकी मर्जी है सिस्टम से जोड़ना चाहते हैं या नहीं। आपकी अपलाइन जो रिकमेंड करे उसमें जरूर आइए, क्योंकि यहाँ सिस्टम की बात हो रही है, यहाँ टीम से मतलब नहीं है कि किसकी टीम है क्या है, हम यहाँ प्रॉपर सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिस्टम से जोड़िए टीम को, अपना अपना करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी मेरे दोस्त। और उसके लिए क्या करना है, ट्रेनिंग्स और सेमिनार, उसमें आइए, आरसीएम की ट्रेनिंग और आरसीएम के सेमिनार। और कुछ लोग अभी पता नहीं कहाँ 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 से सीख रहे हैं, उन्हें अपना अपलाइन या अपना जो आरसीएम बिजनेस का लीडर है उसमें खूबी नजर नहीं आती, उन्हें किसी और में नजर आती है। भैया टाइम किसका चाहिए, बिजनेस कौन बढ़ा सकता है, आप ये समझिए। सतीश पंडित जी की इतनी सारी एजुकेशन है, सीडीज है 13-14, उन्हें घोट के पी जाओ, बहुत है, इतनी नॉलेज बहुत है। वत्स साहब है हमारे चैट विद सुरेंद्र वत्स, कितना अच्छा उसमें बता रहे हैं, इनफ है। श्री चंद अत्री साहब है हमारी एलओएस में आते हैं, इतनी अच्छी एजुकेशन है उनका, अच्छा वीडियो आ रहे हैं, तो देखो ना बहुत है इतना। कहां तक, यूईएस है, टीसी सर है, इतनी एजुकेशन का करोगे भी क्या, इसलिए सिस्टम से जोड़ दो ना। और हम भी अपने प्रयास में लगे हैं बिजनेस से व टीम से अपडेट रहना। मेरे दोस्त यदि आप बड़ा काम करना चाहते हैं तो बिजनेस से व टीम से अपडेट रहिए, कनेक्ट रहिए। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हॉट लिस्ट पे कॉलिंग चालू कर दीजिए। मैंने बीच में छोड़ दिया था, अब दोबारा चालू कर दिया है कि अपनी हॉट लिस्ट पे कॉलिंग करनी है रोज, और उनसे सीखना है और सिखाना है और फॉलो अप करना है, अपडेट रहिए। कई बार हम मैसेज छोड़ देते हैं, एक बार हाँ हेलो करते हैं, थोड़ा बातचीत करते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो जो माने उसका भी भला, जो ना माने उसका राम भला करे, बस इस जोश के साथ अपना आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी भगवान भी तो बैठा है सर, बिजनेस में व टीम से अपडेट रहिए, देखो फिर क्या मजा आएगा सर, कुछ की जिंदगी तो बदलेंगे सर, कुछ की जिंदगी तो बदलेंगे जरूर, भगवान ने हमें भेजा ही रंग भरने के लिए है। अगली चीज, पीडीसी यानी प्री डायमंड क्लब, डायमंड क्लब व डिस्प्ले वॉल पर पूरा फोकस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज 3 तारीख हो चुकी है दोस्त, आप चेक करो ना आपकी टीम में प्री डायमंड क्लब जो दिसंबर में थे क्या अब हो गए डायमंड क्लब, थे वो हो गए, डिस्प्ले वॉल लोगों ने इतना उसमें माल भरा हुआ है, वो किस लिए भरा हुआ है उससे ही पूछना कि सर वो मुहूर्त वगैरह कोई आ जाएगा तब भी लिंग होनी है या क्या है मामला, आप पूछिए तो सही कि भाई क्या सिद्धांत है डिस्प्ले वॉल का, क्यों खोली गई थी, कंपनी ने लॉन्च इसलिए की थी कि अपना डाटा आप समय समय पे उसे करते रहो, फिर 31 और 30 को ही करना था तो डिस्प्ले वॉल का क्या फायदा है। और नई ज्वाइनिंग की सही शुरुआत, उसके लिए भी हम ट्रेनिंग करेंगे, प्रयास करेंगे, ये भी विषय हम ले लें, क्योंकि हमारा एजुकेशन पे फोकस है। हम चाहते हैं जो भी हमारे लीडर्स वीकली मीटिंग को कैश कर रहे हैं उन्हें प्रॉपर एजुकेशन मिले। धन्यवाद, थोड़ा आगे चलता हूं, ये काम कर लिया तो आपका पीवी बनेगा, परचेज वॉल्यूम, पीडीसी, डायमंड क्लब, डिस्प्ले वॉल पर पूरा फोकस और नए ज्वाइनिंग की सही शुरुआत। यदि आपने ये करवा ली तो आपका बिजनेस में परचेज वॉल्यूम जो है पीवी बढ़ जाएगा, आपका कभी डाउन नहीं जाएगा। अगली चीज, डेप्थ को बढ़ाना व ब्रांचेज को बढ़ाना, जो मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, आपकी टीम से कोई व्यक्ति बिगनर बनाया, 5,000 का बिजनेस गया, यदि हम उसका नाम लिख लें और मार्च तक टारगेट बनाए कि उसका 20 होना है, तो सर बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी बी लेग ही नहीं खुलवाते हम सर, कई सारे लोग हैं जो 500 पीवी उनकी बी लेग में हो रहा है, 1,000 हो रहा है, 1,700 हो रहा है, 2,000 हो रहा है, और वो 3-4-5 महीने से लगातार हो रहा है, पता नहीं क्या जी, वो एक आदमी है वो परचेज कर लेता है बस। मेरे दोस्त यदि उस एक आदमी से आप टच हो गए थोड़ा 5,000 तक, फिर ला सकते हो उसे, आप एक दो ज्वाइनिंग निकाल सकते हो उसके माध्यम से, वो कलाकारी तो ब्रांचेज को बढ़ाना बोलते हैं उसे। किस दिन उस पर भी डिटेल में बात करेंगे 15-20 मिनट कि ये होता कैसे है, और प्रॉपर किस दिन आप आएंगे तो हम जरूर चर्चा करेंगे इस पे भी कि ये डेप्थ और ब्रांचेज बढ़ती कैसे है, क्योंकि सुनील शर्मा जी हमारे साथ हैं, हम भी लगातार आरसीएम में काम कर रहे हैं, हमारा पूरा जब से हम आरसीएम में एक्टिवेट हुए हमारा पूरा ध्यान आरसीएम पे है, हमने बिजनेस ही किया है, हम फील्ड में ही रहे हैं, हम लोगों से ही मिले हैं, हमने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी आरसीएम के लिए, और एक ही चीज चाहते हैं कि लोगों का भला हो जाए, लोग कामयाब हो जाए, यही हमारा उद्देश्य है। और वो होगा कैसे सर, जब डेप्थ में काम करेंगे और इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा।
आपका बढ़ेगा तो मेरा तो स्वतः बढ़ेगा, सुनील शर्मा जी का तो स्वतः बढ़ेगा। आपका बिजनेस बढ़ाना हमारा एकमात्र उद्देश्य है, आपका बिजनेस घटा कर मेरा कैसे बढ़ जाएगा बताओ आप। अगली चीज, टारगेट लेकर काम। मैं ये नहीं कह रहा मैं आपका बॉस हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि सुनील सर आपके बॉस हैं, पर दोस्त कुछ तो लक्ष्य बनाना पड़ेगा। मार मार के तो खीर नहीं खिलाई जा सकती, कुछ तो लक्ष्य बनाओ। अरे बड़ा नहीं छोटा बनाओ, छोटा नहीं बड़ा बनाओ, कुछ तो बनाओ। कुछ भी नहीं है तो देखो फिर कैसे बात बनेगी। कुछ तो बनाओ लक्ष्य, कुछ तो होना चाहिए। अब आरसीएम में कुछ तो का मतलब है कि कम से कम एक पूरे दिन भर में एक तो प्लान दिखा के आ जाओ, पूरे दिन में एक आदमी को तो प्रोडक्ट दे के आ जाओ। ये तो एक कोई बोल रहा हूं केवल। आज मेरी एक व्यक्ति से बात हो रही थी ज्वाइनिंग को लेके, मैं भी एक ज्वाइनिंग करवा रहा हूँ, तो वो व्यक्ति मेरे से बोले कि सर पूरे दिन में क्या कर, कम से कम एक आदमी को तो प्रोडक्ट दे के आ। अरे ये तो मैं आधे घंटे में कर दूंगा। बस तो यही काम करना, सोच के देखो एक आदमी को बताना है, ये हल्का सा काम है। ये टारगेट ये तो बनाओ कि मैं ये करूंगा। चलता हूं थोड़ा आगे, इससे क्या होगा, आपके वाइटल अचीवर तैयार होंगे आपकी टीम में। वाइटल हमारे बिजनेस का आधार है। वाइटल ऐसे ही है जैसे आपका बेसमेंट तैयार आपने मजबूत कर लिया। वाइटल कच्चा तो रॉयल्टी कच्चा, और वाइटल और रॉयल्टी कच्चे तो टेक्निकल कभी पक्का होने वाला नहीं है। इसलिए पहले क्वार्टर में हमारा पूरा फोकस रहेगा कि वाइटल को पक्का करेंगे। वाइटल यदि पक्के हो गए, हमारे ओपनर, ईगल, रनर्स, विनर्स, ये यदि हमने पक्के कर लिए तो बिजनेस में भूचाल आएगा सर। और ये होगा कब, जब आप उनके साथ उनको छांटोगे। उनको भी काउंसलिंग की जरूरत है, उनके साथ भी बैठने की जरूरत है। उन्होंने भी कभी अचीव किया है सर आपके साथ, तो उनमें लग जाइए और दो ही सवाल पूछिए अपने आप से, आज मैंने क्या किया, क्या किया मैंने आरसीएम के लिए। एक दूसरे की बुराई में ही लगे रहेंगे क्या? आज बता रहे थे टेक्निकल अचीवर्स की मीटिंग में, या तो आप क्रिएशन कर सकते हैं या आप डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आइए क्रिएशन करते हैं, अपने दिमाग को क्रिएटिव बनाते हैं सर। मेरी अपलाइन मेरे से हमेशा बोलती है तुम्हारा दिमाग बहुत क्रिएटिव है। मैं एक ही बात बोलता हूँ, मैं ज्यादा देर टेंशन ले ही नहीं सकता, मैं तो अपने काम में लगा रहता हूँ। इतना टाइम ही नहीं है सर, क्योंकि मुझे काम करना है। मैं क्रिएटर, मुझे काम करना है, मुझे बड़ी कामयाबी चाहिए, मेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है। अब बोलो तो सही दो बार अपने आप को, शीशे से सामने खड़े होके, आज मेरी टीम ने क्या किया। आप चेक करिए सर, ये टीम गेम है, हम मिलके जीतेंगे। अभी तो हमारी जिंदगी भी शुरू नहीं हुई सर, मजा तब आएगा। मजा तब हम दुबई में बुर्ज खलीफा के ऊपर कर रहे होंगे, मजा तब आएगा जब हम एक साथ, क्योंकि जिंदगी का बिजनेस है सर। दिस इज नॉट ए 100 मीटर रेस, ये मैराथन है। पूरी जिंदगी हमें साथ रहना है। आज सुनील सर और हमें आज 15 साल हो गए साथ रहते रहते, अच्छे सुख दुख साथ बिताए, बारिश में भी भीगे खूब, 10 रुपए के लिए भी मोहताज रहे, और ऐसे भी दिन देखे कि मार्केट में हमारे पास महीने महीने में 3-3 हजार रुपए हमें नहीं मिलते थे, और ऐसा भी दिन देखा है हमने के 8,000-10,000 रुपए तो टैक्स दे देते हैं हर महीने के, टीडीएस कट जाता है, क्या हो गया दोस्त। दोस्ती वो नहीं होती क्या, आपने साल में 50 दोस्त बनाए। हमारा साथ जीवन भर का है, भले ही 2 लोग हैं पर 7 तो हैं। अभी तो 15 साल हुए हैं और 15 साल बीतने दो, हम फिर भी उसी भावना से लगे रहेंगे। हमें ऐसे लोग चाहिए। हमें बिजनेस का लालच नहीं है एक दूसरे से, हमारा दिल की लड़ाई है। और कुछ लोग बैठे होंगे जो हमारे साथ हमारी भावनाओं को समझते हैं और जिंदगी भर साथ देने के लिए तैयार हैं। मैं ये मीटिंग खत्म होगी है, अभी मैं देख नहीं पा रहा हूं आप क्या लिख रहे हो। शेयरिंग के बाद मैं जरूर पूछूंगा, क्या आपके पास ऐसा कोई पार्टनर है, किसके लिए काम कर रहे हो दोस्त, कौन है आपका टीम मेंबर। मेरे दोस्त अप्लाई साथ है तो हम जीत जाएंगे, और ऐसा कोई दोस्त आपके साथ है ना आपकी टीम में तो हम जीत जाएंगे। ये साल अगर सुनील सर में 1 साल के लिए साथ चलते, 2 साल के लिए प्रोग्राम बनाते, नहीं दोस्त हम जब चले थे ना पूरे जीवन भर का साथ देने का वादा किया था एक दूसरे से। सर सुख आए या दुख आए हंस के झेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मिलके आगे बढ़ेंगे। जीवन बहुत बड़ा है, बहुत लोगों को कामयाब। हम ये बात समय करते थे जब हमारी रॉयल्टी नहीं थी, हम वाइटल अचीवर भी नहीं थे, अपना चेक 2000 का था, तब हमारे इरादे इतने खतरनाक थे। अब तो ईश्वर की मौज है। अब हमारे इरादे क्या हैं, हम ये चाहते हैं कि हर 7 तारीख को जो घंटी बजती है ना आपके घर में आरसीएम की तरफ से, वो प्यारी बजे, कम से कम 1 लाख रुपए की तो बजे, कम से कम 1 लाख की तो बजे हर महीने। इतना तो बनना, इतना तो आपका हक है। तो सर क्या आप साथ देने के लिए तैयार हो? प्रसाद तो चाहिए। सुनील शर्मा जी अकेले क्या कर सकते हैं, जगदीश कबीर अकेला क्या कर सकता है। मेरे दोस्त भावनाएं देखो,
हम अपना घर छोड़ के और अपना सब कुछ फोकस आरसीएम पे लगाए हुए, किसके लिए? मेरे दोस्त, ये जंग बड़ी है, ये लड़ाई बड़ी है, ये गेम बड़ा है। हमें अगर नमक मिर्च हल्दी धनिया समझ में आ रहा होता तो कंप्यूटर छोड़ के मैं इसमें नहीं लगा होता, इस लाइन में। इससे ज्यादा पैसे मैं किसी भी तरीके से बना सकता था। बात पैसे की नहीं थी दोस्त, मजा तब है जब आपकी वजह से कुछ लोगों के जीवन में रंग भरे। आज हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कुछ लोगों की जिंदगी तो बदलेंगे। कोई तो होगा जो हमें समझेगा, कोई तो होगा जिसके साथ हम जी जान की मरने की कस्बे खा सकते हैं, कोई तो होगा जो हाथ से हाथ मिला के बोलेगा सर हम आपके साथ हैं। हम ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं जिन्हें हमारे ऊपर विश्वास है, जिनके ऊपर हम विश्वास कर सके, वो हमारे ऊपर भरोसा कर सके, क्योंकि ये गेम बड़ा है। लड़ाई 2-4-5 साल की है ही नहीं, लड़ाई बहुत बड़ी है दोस्त, बहुत बड़ी है। थोड़ा आगे चलते हैं। थैंक यू। 2023 हमारा है, 2023 हमारा है, ये नारा तो हमने अब दिया है, 2023 हमारा है। मेरे दोस्त, ये बिजनेस सच में ड्रीमर्स का बिजनेस है, ये साल एक्शन का है, और मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं सर 2023 में अपना बेस्ट दीजिए। बहुत हो गया सर, अपना बेस्ट दीजिए। आप बहुत कुछ कर सकते हो सर, बहुत कुछ। अभी तक तो हमारे पेरेंट्स को भरोसा नहीं है, कई बार हमारी घरवाली को भरोसा नहीं है, कई बार हमारे बच्चों को भरोसा नहीं है कि ये कुछ कर सकता है। मेरे दोस्त, प्रूव यूर सेल्फ, अपने आप को प्रूव करके दिखाइए कि आप कुछ कर सकते हो, आप जीत सकते हो। 2023 आपका है, इसमें कुछ ऐसा काम करके दिखा दो कि लोग बोले वाह, सैल्यूट। साबित करिए अपने आप को दोस्त, जगाइए अपने उस शेर को या अपने टाइगर को, जगाइए अपने अंदर से वो जो बचपना था ना, वो जो कभी था, मैं चल सकता हूं, मैं जीत सकता हूं, मैं जो आप जुड़े थे और कुछ वो अभी स्पार्क ना धीरे धीरे धूमिल सा हो रहा है, उसे जगाइए। मिलके खेलते हैं दोस्त, क्योंकि मजा तब है, मजा तब है, मजा तब है जब दूसरे हारने का इंतजार कर रहे हो और हम जीत के दिखा दें। अभी एक घटना हुई ऋषभ पंत के साथ, एक्सीडेंट हो गया बेचारे का, माँ को सरप्राइज देने के लिए जा रहा था, उसके पास तो एक साल बैठ के है सिस्टम, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। पर मेरे दोस्त, क्या हमारे और आपके पास बैकअप है? नो बैकअप। हम ही तो अपने घर की सीढ़ी है, हम ही तो अपने घर का सब है, हमारी वजह से परिवार मुस्कुरा रहा है। सोच के देखिए, भगवान ना करे कुछ हो गया तो, बात बन गई तो, सोचिए तो सही। दिन रात हम चलते हैं, सफर है, कोहरा है, गाड़ी चला रहे हैं, सब कुछ है दोस्त। अब तक हम ऐसे बटे हुए थे, आइए प्रहार करते हैं गरीबी के ऊपर। किसी ने हमें जाति के नाम पे बांटा है, किसी ने हमें धर्म के नाम पे बांटा है, किसी ने हमें पूरा पश्चिम दिल्ली ऐसे बांटा है। एक होके जोर लगाते हैं, टाइगर टीम इंडिया में गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी का नाम रोशन करते हैं। मजा तब है जब सुनील शर्मा जी खड़े हों और आपके लिए ताली बजाएं, बोले वाह कमाल कर दिया। मजा तब है जब आपका परिवार स्टेज पे हो और आपके लिए ताली बजाए, वाह तूने तो जो बोला था वो करके दिखा दिया 2023 में। मजा तो तब है, और वो दिन कितना शानदार होगा जब जश्न आपका होगा, पिन आपको मिलेगी, ट्रॉफी आपको मिलेगी, और हम आपके पिन के लिए, ट्रॉफी के लिए डांस कर रहे होंगे।